नमस्कार, एसजे न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खबर। शनिवार को सागर जिले के राहतगढ़ में भारत स्काउट गाइड के 3 दिवसीय कैंप का रंगारंग समापन किया गया। यह कैंप नगर के सेंट थॉमस स्कूल में लगाया गया था, जहां पर कैंप में शामिल बच्चों ने स्काउट गाइड की बारीकियों को जाना और आज अंतिम दिन शनिवार को दीक्षा संस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को दीक्षा के दौरान स्काउट गाइड की प्रतिज्ञा के साथ साथ स्काउट गाइड के मेंबर बैच भी प्रदान किए गए। साथ ही भारत स्काउट गाइड का सदस्य बनने के लिए बच्चों को मिठाई भी खिलाई गई। इस समारोह के दौरान बच्चों ने शानदार रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रामस्वरूप व्यास ने की। विशेष अतिथि के तौर पर गौरी शंकर शर्मा, जिला सचिव भारत स्काउट गाइड सागर भी उपस्थित रहे, जिन्होंने स्काउट गाइड के उद्देश्यों से परिचित कराया। साथ ही स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर ज्योति ने सभी का आभार व्यक्त किया। और उनको आगे बढ़ने की स्वयं करके सीखे, कोई भी काम अपने अपने ऐसे करके सीखे, दूसरों में भरोसे ना रहे। जैसे आपने दिया हो, बच्चा अपना रहता है घर में, खाना खाने लग जाता है तो अगर मम्मी से या बहन से पानी मांगता है, तो हमें इस काल में स्वयं करते हैं, सब कुछ स्वयं करके सीखे। चाहे अफसर हो, वही अपनी खाली बोलेगा, बच्चे हैं तो दूसरे प्रकार की जो स्वयं करके सीखे। मेरे इसका उद्देश्य यह बच्चों का ग्रामीण विकास आध्यात्मिक धर्म को मानने की प्रार्थना देते हैं, तो धर्म का मानने वाला होना चाहिए। धर्म को ना मानने को नहीं लग पाती, क्योंकि इसमें जो उद्देश्य हो रहा हमारा स्काउट गाइड का, मूल भी बच्चों का गुणात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नीति के माध्यम से या छह व्यायाम के माध्यम से, सूर्य नमस्कार के माध्यम से जो पूरे काम करते। धन्यवाद।